दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अपस्टॉक्स। अगर कोई देश कर्ज में डूब रहा है तो सिंपली वो देश बहुत सारे पैसों को प्रिंट करके अपने डेब्ट को पे क्यों नहीं कर देती। पैसों को छाप छाप कर गवर्नमेंट सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। गवर्नमेंट बहुत सारे पैसों को प्रिंट करके होमलेस लोगों को बांट क्यों नहीं देती। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, सुनने में बहुत फनी सा सवाल लग रहा होगा आपको, पर अगर आप इसी चीज को गूगल में सर्च करो तब पूछने वालों की कमी नहीं है बिल्कुल। जैसा कि आप यहाँ रिजल्ट्स के नंबर को देख सकते हो, 65 मिलियन रिजल्ट्स। इसका शॉर्ट आंसर एक ही है, शॉर्ट आंसर बिकॉज प्रिंटिंग मनी जस्ट मेक्स मनी लेस वैल्यूएबल, AKA also known as inflation। इस वीडियो में आप पैसों के बारे में ऐसे ही रोचक ज्ञान को प्राप्त करने वाले हो, सो गेट रेडी। जब हम लोग पैसों के बारे में सोचते हैं तब हम लोग मेटल से बने गोल गोल फ्रैगमेंट्स, कॉटन और लाइनन से बने ये टुकड़ों को और मैजिकल प्लास्टिक जिससे हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं उसको इमेजिन करते हैं। बट जब मनी यानी पैसा पहले नहीं था तब लोग कैसे काम करते थे, तब अगर किसी को कुछ सामान चाहिए तो वो कैसे पाते थे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज से करीब 4000 साल पहले कोई मनी एग्जिस्ट नहीं करता था। जब मनी नहीं थी तब कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको देकर आप कुछ भी खरीद सकते हो। तब इंसान बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें सामान को एक्सचेंज किया जाता था। दो इंसान है ए और बी, मैन ए के पास एक्स यानी कुल्हाड़ी है और मैन बी के पास चावल है, और मैन ए को चावल चाहिए क्योंकि उसे अभी भूख लगी है और मैन बी को वो कुल्हाड़ी चाहिए क्योंकि उसे उसका कुछ काम है, तो ये दोनों आपस में इसे एक्सचेंज कर लेते हैं, इसे ही बार्टर सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम माना गया है, एक्स और चावल दोनों का, तभी वो एक्सचेंज हो पाया है। पर यहाँ दिक्कत और लिमिटेशन ये है कि ये तभी काम करती है जब दोनों पार्टीज के पास एक दूसरे के पास ऐसी चीज हो जो वो चाहते हैं। अगर मैन ए को चावल चाहिए पर मैन बी को कुल्हाड़ी नहीं चाहिए तभी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो सकता और इसी के चलते मैन ए भूख से मर जाता है। या फिर दूसरा वर्स्ट केस ये है कि मैन ए को इतना भूख लगता है कि वो मैन बी को अपने कुल्हाड़ी से एक्सीडेंटली कुछ कर देता है और चावल चोरी करके भाग जाता है। तो इसी प्रॉब्लम का एक नॉन वायलेंट सॉल्यूशन है कि एक ऐसी चीज हो जिसे सब चाहते हो, और यहीं पे जन्म होता है मनी का, पैसा का, एक ऐसी चीज जिसे सब चाहते हो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस कैटेगरी में पहले काउज भी थे, यानी गाय भी शामिल थे, एक ऐसी चीज जिसे सब चाहते हो। जी हाँ, काउ को ही मनी मानते थे और काउज शिप कैमल या अदर एनिमल्स का ट्रेड करते थे, मतलब इन्हीं को पैसे के रूप में यूज किया जाता था जब एक्चुअल कॉइन वॉइन कुछ नहीं था, मनी नहीं था। पर काउज को तो अपने पॉकेट में रख के ट्रैवल कोई नहीं कर सकता और हर जगह कैरी नहीं कर सकता दूर जगह, तो यहाँ पर जन्म हुआ कॉइन्स और नोट्स का, एक ऐसी चीज जिसे सब चाहते हो और वो पोर्टेबल भी हो। अगर हम लोग बात करें कि व्हाट एग्जैक्टली इज मनी, ये बहुत ऑब्वियस लग रहा होगा आपको, पैसा 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 पैसा, पर माइंड को क्लियर करके आप देखो तो मनी का एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं होता है। एक्चुअल वैल्यू, मान लो आप एक ऐसे आइलैंड में हो जहाँ पर कोई भी दूसरा इंसान नहीं है, सिर्फ आप हो, तो वहाँ पर अगर आपको करोड़ों रुपए भी दे दिया जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पर मनी टोटली यूजलेस होगा। मनी में वैल्यू इसलिए है क्योंकि हम लोग मानते हैं कि उसमें वैल्यू है, जस्ट बिकॉज हम लोग बिलीव करते हैं कि इस कागज के टुकड़े में वैल्यू है इसलिए वो वैल्यूएबल दिखता है, और क्योंकि दुनिया के सारे लोग मनी पर यकीन करते हैं इसलिए वो यूनिवर्सली वैल्यूएबल हो जाता है, और इसलिए हम मनी से जो चाहे वो चीज खरीद पाते हैं। सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि सभी लोग मिलकर मनी को वैल्यूएबल मानते हैं, इसलिए वो वैल्यूएबल है, और इसलिए वो एक ऐसी चीज बन जाती है जिससे हम लोग रिसोर्सेस खरीद सकते हैं, कुछ एक्चुअल चीज को खरीद सकते हैं। वो एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी को चाहिए, इसलिए वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन पाया। तो अब बड़ा सवाल ये आता है कि व्हाई डज द गवर्नमेंट डज नॉट प्रिंट मनी एंड सॉल्व्स ऑल द प्रॉब्लम। अगर भारत के पास खुद का पैसा छापने का मशीन है गवर्नमेंट के पास, तो वो करोड़ों रुपए छापकर सबको बांटकर अमीर क्यों नहीं बना देती। तो आंसर सुनो, अगर गवर्नमेंट करोड़ों रुपए को प्रिंट करके सबको करोड़पति बना दी तब सब कोई करोड़पति बन गया, ठीक है। सब कोई के पास अगर 10-10 करोड़ रुपए है
इंडिया के 125 करोड़ आबादी में सबके पास 10-10 करोड़ रुपए आ गए, तो अब सवाल ये है कि अमीर कौन है? सबके पास 10-10 करोड़ रुपए हैं, तो अमीर कौन है? अब कंपेयर किया जाए सबको, तो अब अमीर वो हुआ जिसके पास 1000 करोड़ रुपए हो। मतलब पैसा का जो क्वांटिटी है वो तो बढ़ गया, ठीक है, गड्डी 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 मिला के 10 करोड़, 10-10 करोड़ सबके पास है, क्वांटिटी तो बढ़ गया, पर अब 10 करोड़ का वैल्यू कम हो गया क्योंकि अब सभी के पास ही 10 करोड़ रुपए है। क्वांटिटी बढ़ा पर वैल्यू नहीं बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ा नोट के गड्डी के मामले में पर उसका वैल्यू नहीं बढ़ा। तो अब इमेजिनरी सिचुएशन ये है कि इंडिया के 125 करोड़ की आबादी में सबके पास 10-10 करोड़ रुपए है। तो मान लो इंडिया में 30 लैम्बोर्गिनी कार है फॉर सेल और सबके पास 10 करोड़ रुपए आ गए, तो फिर लैम्बोर्गिनी कार का दाम असल में 1000 करोड़ तक चला जाएगा क्योंकि लैम्बोर्गिनी कार लिमिटेड मात्रा में और उसका डिमांड बहुत है क्योंकि सब अमीर हो गए, तो 10 करोड़ रुपए तो सभी के पास हो गए, तो अब 1000 करोड़ जिसके पास है वो अमीर है और सबके पास 10 करोड़ आने के चलते लैम्बो का दाम बढ़कर 1000 करोड़ हो गया है और अब उसे वही खरीद सकता है जिसके पास 1000 करोड़ रुपए हो। मतलब जो सीन पहले था कि अमीर लोग ही लैम्बो खरीद पाएगा, वही सीन अभी भी है। क्वांटिटी बढ़ने से क्या हुआ? नो चेंज। मतलब समझ रहे हो ना कि सबको अमीर बनाने से सिर्फ पैसा का क्वांटिटी बढ़ जाएगा और उसका वैल्यू कम हो जाएगा और चीजों का दाम बढ़ जाएगा क्योंकि मनी को प्रिंट करने से रिसोर्सेस जो कि धरती में मौजूद है वो थोड़ी ना बढ़ जाएगा। धरती से जितने रिसोर्सेस मिल रहे हैं अभी वही मिलेगा, सिर्फ पैसा का नंबर बढ़ जाएगा, तो इसलिए पैसा बढ़ने के चलते उसी के हिसाब से चीजों का दाम बढ़ जाएगा। मतलब बात बराबर होगा, पैसे बढ़ने से देश में रिसोर्सेस नहीं बढ़ते। 10 करोड़ का वैल्यू 10,000 के बराबर हो जाएगा अगर सबको उतना बांट दिया जाए तो, इसलिए पैसा प्रिंट करके सबको बांटना कोई सेंस नहीं बनाता है। जितना गुना नोट छापा जाएगा, जितना बढ़ते जाएगा उतनी महंगाई भी बढ़ते जाएगी और बात बराबर ही होगी। यहाँ पर सिर्फ थियोरेटिकली ये नहीं कहा जा रहा है कि ये ऐसा सिर्फ हम लोग एग्जाम्पल के रूप में बात किए उसी में है, यहाँ पर सिर्फ थियोरेटिकली ये नहीं कहा जा रहा है कि मनी को प्रिंट करना एक बैड आइडिया है, बल्कि रियल लाइफ में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हो चुके हैं जो कि ये दिखाती है कि मनी को प्रिंट करना एक बैड आइडिया नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा बैड आइडिया है। अभी जिम्बाब्वे में सब कुछ नॉर्मल है और 361 जिम्बाब्वे डॉलर इक्वल टू 1 US डॉलर होता है अभी के टाइम पर। पर समय में पीछे चले, साल 2008 जिम्बाब्वे, वहाँ की गवर्नमेंट एक बैड डिसीजन ली, बैड नहीं बहुत ही ज्यादा बैड। वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सारे मनी को प्रिंट करने लगी और प्रिंटिंग मशीन्स दिन रात काम कर रही थी। और ये सीन देखो, एक नॉर्मल डेवलप्ड कंट्री की इन्फ्लेशन रेट 2% पर ईयर होती है और बाकी कंट्रीज की 5-6% पर ईयर के हिसाब से होती है इन्फ्लेशन रेट। पर जब जिम्बाब्वे की सरकार ने मनी प्रिंट करने वाला कांड किया तब वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट 89.7 नहीं 89.7 मिलियन नहीं 89.7 बिलियन नहीं 89.7 ट्रिलियन भी नहीं 89.7 क्वाड्रिलियन भी नहीं 89.7 क्विंटिलियन भी नहीं बल्कि 89.7 सेक्सटिलियन यानी 897 के आगे इतने जीरोस परसेंट बढ़ गया। इतना जो मैंने अभी बका इसका मतलब ये हुआ कि पैसा का क्वांटिटी तो बढ़ा पर उसका कोई वैल्यू नहीं बढ़ा और चीजों का दाम इतना परसेंट बढ़ गया क्योंकि नोट्स बढ़ गए। ये सिचुएशन इतनी बैड हो गई कि ये पिक्चर देखो, ये बच्चा एक ब्रेड खरीदने जा रहा था और इसे एक ब्रेड खरीदने के लिए लाखों जिम्बाब्वे डॉलर देना पड़ रहा था। इतना पैसा होने से ब्रेड का दाम, दूध का दाम हर 24 घंटे में डबल होने लगा इस मनी प्रिंट वाले कांड के बाद। सिचुएशन इतनी वर्स हो गई और उतना कैश तो लोग कैरी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ तक 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर का नोट निकाल दी। मान लो इंडिया में अगर 1,00,000 अरब रुपए का नोट निकल गया तो कैसा लगेगा? वही चीज एक्चुअल में हुआ जिम्बाब्वे में। मनी प्रिंट करो पूरा तो उससे चीजों का दाम भी बढ़ जाएगा, तब एक तरह से बात बराबर हो जाएगा। ये मैंने कितनी बार बोल दिया आपको, अगर गवर्नमेंट मनी प्रिंट करके सबको 10 करोड़ दे भी देती है तब 10 रुपए का ब्रेड 10 लाख में मिलने लगेगा। तब फिर देखा जाए तो उस 10 करोड़ का फायदा क्या, उतना नोट का फायदा क्या जब चीजों का दाम ही बढ़ जाएगा और वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। चीजों का दाम इसलिए बढ़ जाता है पैसा बढ़ने के बाद क्योंकि चीजें और रिसोर्सेस तो उतनी ही है और लोग लेने वाले उतने ही हैं। तो मनी का अगर क्वांटिटी बढ़ा तो उसके हिसाब से उसके सिंक होकर
वो चीजों का दाम प्राइस भी बढ़ जाएगा। जिम्बाब्वे का मैंने जो ये कहानी आपको बताया, ये तो सेकेंड मोस्ट वर्स्ट केस था ऐसा कुछ करने का, प्रिंट करने का कांड का। नंबर वन पर जो आता है केस, वो आता है हंगरी नाम के एक देश से, और ये हुआ था 1946 में। और ये पैसे प्रिंट करने का इफेक्ट का पूरे इतिहास में सबसे वर्स्ट केस है। इस चार्ट को देखो, इसमें ये देखो कि जो जिम्बाब्वे का मंथली इन्फ्लेशन था हाईएस्ट, वो था इतना परसेंट, मतलब मनी प्रिंट करने के कांड के बाद हर 24 घंटे में चीजों का दाम डबल हो रहा था। पर हंगरी में ये परसेंटेज बहुत ही ज्यादा था, ये था 41.9 quadrillion percent। और इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हर 15 घंटे में चीजों का दाम डबल हो रहा था। एक हेल्दी कंट्री का नेचुरल इन्फ्लेशन जो होता है, उसके हिसाब से एक देश में हर 23 से 24 साल के बाद चीजों का दाम डबल होता है। मतलब अगर मैं अपने फेवरेट रॉयल इनफील्ड की बात करूं, तो अभी उसका दाम अगर 2 lakh rupees है, तो आज से 23 साल बाद वो 4 lakh में मिलेगा इन्फ्लेशन के चलते। एक हेल्दी कंट्री में ऐसा होता है, पर हंगरी में 1946 में हर 15 घंटे में ये चीज हो रही थी। हंगरी का करेंसी था पेंगो, पर इन्फ्लेशन के चलते नोट का जो डिनोमिनेशन है 100 pengo 200 pengo, इसमें भी बड़ा चेंज आया और पेंगो का ये नोट निकला। और यहाँ पर आप एक फैक्ट नोट कर लो कि ये हाईएस्ट डिनोमिनेशन बैंक नोट एवर प्रिंटेड इन दिस वर्ल्ड एंड इन हिस्ट्री है। ये रिकॉर्ड भी हंगरी को जाता है। ये जो नोट है, इस नोट का मतलब है 100 million billion pengo, मतलब 100 crore Arab pengo। 1946 में चीजें इतनी खराब हो गई थी कि ध्यान से सुनो, अगर आप हंगरी देश में मौजूद हर एक नोट को लो और सारे नोट्स को एक साथ रख दो, तब उसका टोटल वैल्यू 1 paise के बराबर था, अगर आप इंडियन रुपी में कंपेयर करो तो। मतलब समझो, हंगरी में मौजूद सारे नोट्स को एक जगह ला दो, तो उसका वैल्यू होगा इंडियन रुपी का 1 paise। नोट्स इतने सारे, पर उस नोट में खरीदने का पावर कितना है, ये होता है मनी प्रिंट करने से। मतलब नोट तो बढ़ गया और सबको मिल गया, एकदम रोड पर नोट को झाड़ू से बहाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, पर कुछ होगा नहीं नोट से, बिकॉज कंट्री की जो रिसोर्सेस है वो थोड़ी ना बढ़ा। और इसलिए सरकार जो है वो डेब्ट, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट या पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को पैसा छाप कर सॉल्व नहीं कर सकती, बल्कि कंट्री को एक्चुअल में हर तरह से ग्रो करके कर सकती है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो या फिर अलग अलग सेक्टर के एक्चुअल ग्रोथ के मामले में हो। एक बहुत फेमस कोट भी है, इफ मनी ग्रीव ऑन ट्रीज इट वुड बी एज वैल्यूएबल एज लीव्स। मतलब अगर पैसे पेड़ पर उगते तो उसका वैल्यू भी पत्तों के बराबर ही होता। स्कैरब सिंबल, बहुत कोई को पता नहीं होगा कि स्कैरब नाम का एक साइन होता है और उसका मतलब होता है अननोन करेंसी। मतलब दिस सिंबल इज ए कैरेक्टर व्हिच इज यूज्ड टू डिनोट एन अनस्पेसिफाइड करेंसी। ये था स्कैरब सिंबल का फैक्ट। वाइज यूज ऑफ मनी, सबसे इम्पोर्टेंट। गूगल में अगर आप सर्च करोगे रिचेस टू रैग्स, तो आपको बहुत सारे स्टोरीज मिल जाएंगे। जी हाँ, मैं रिचेस टू रैग्स के बारे में, मतलब करोड़पति से रोडपति के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि रोडपति से करोड़पति, जो कि बहुत बार सुने भी हम लोग। मतलब बहुत कोई जो करोड़पति से भी रोड पर आ जाते हैं, क्योंकि पैसा का वाइज यूज करना उन्हें नहीं आता है। और इससे आपको ये पता चलता है कि पैसों का हमें इफिशियंटली यूज भी करना आना चाहिए। भले आपके पास पैसे कितने भी हो, अगर वाइजली यानी बुद्धि लगाकर उसे आप यूज नहीं करोगे, तो इससे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी और ये अच्छी बात नहीं। और इन्वेस्टमेंट जो है, ये पैसे का सबसे इफिशियंट यूज में से एक है। मैं यहाँ पर आपको अप स्टॉक्स के बारे में बताना चाहूंगा, बैक्ड बाई रतन टाटा एंड टाइगर ग्लोबल US। अप स्टॉक्स इंडिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्काउंट ब्रोकर कंपनी है, जहां पर आप फास्टर और स्मार्टर तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट से जो आपका प्रॉफिट होगा, वो रियल प्रॉफिट होगा, ना कि इन्फ्लेशन से अफेक्टेड प्रॉफिट। और ये बहुत बड़ी बात है, अनलाइक बैंक का जो ये इंटरेस्ट का जो प्रॉफिट मिलता है आपको, बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है उसे इन्फ्लेशन
खा जाता है। अपस्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता और आप सिंपल मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस और केवाईसी कंप्लीट करके यानी पैन कार्ड अपलोड करके 5 मिनट में तुरंत अकाउंट खोलकर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और आपको ये जान के खुशी होगी कि अपस्टॉक्स में बहुत ही जल्द ग्लोबल मार्केट इन्वेस्टमेंट्स का भी ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आप एप्पल, बीएमडब्ल्यू, गूगल ऐसी बड़ी कंपनीज में भी आप इन्वेस्ट कर पाओगे। और अपस्टॉक्स बाकी ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के मुकाबले खास इसलिए है क्योंकि इसमें आपको एडिशनल फ्री बेनिफिट्स मिल जाते हैं वर्थ अप टू ₹28,000, जिसमें एडवाइजरी सर्विसेज भी है। मतलब अगर आप पहली बार ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो तब भी आपको कोई इश्यू नहीं होगा। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हो और एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हो। वीडियो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट जरूर करना। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें फॉलो नहीं किया मुझे, तो जाकर फॉलो कर लो। इनका भी लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।